उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखीमपुर खीरी में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का स्टीमर के द्वारा सर्वे किया और उनके साथ में तमाम जिले के आला अधिकारी विधायकगण मौजूद रहे और उन्होंने शादनगर में हेलीपैड से उतर के सीधे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनका पूरा निरीक्षण किया और हर संभव सहायता देने का उन्होंने शासन को आदेश किया है, वहाँ के प्रशासन को आदेश किया है कि पूरी तरीके से इन लोगों के साथ सहयोग किया जाए। बाढ़ पीड़ित हैं, इनको जो किट्स वगैरह हैं वो दी जाएँ और उन्होंने पूरी टीम NDRF हो चाहे जो भी गोताखोर हों मुकामी स्तर पर उन सबको लगा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही जनता की सेवा के प्रति समर्पित हैं। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था आज उसका परिणाम है कि बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने NDRF, SDRF, PAC की फ्लड यूनिट इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी है, हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया।